हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका औरंगजेब शेख के चैनल में। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जेन्युइन स्टोरी। और जेन्युइन स्टोरी किसके साथ दिखाऊंगा? अपने साथ है राजीव भाई। क्या बोलती पब्लिक? राजीव भाई। और ये बंदा जो है ना, कहाँ से उठ के आया, ये सब सच्चाई बताएगा आज। ये राजीव तुमको बताएगा कि कहाँ से उठ के आज कहाँ खड़ा है और क्या कितना पैसा कमा रहा है और क्या इसकी लाइफस्टाइल है और कैसे अपने घर वालों की जिंदगी इसने सुधार दी और अपने आने वाले कल के लिए क्या बैंक बैलेंस इनने रखा है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और भाई की पूरी स्टोरी जानना। तो राजीव भाई, स्वागत है आपका औरंगजेब शेख के चैनल में। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं, आप लोगों का चैनल है। मैं कुछ नहीं हूँ मेरे भाई, मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि अगर एक मेरी वीडियो से एक बंदा मेरी वीडियो को देख करके उसको जॉब मिल जाती है तो मेरी इस वीडियो की कीमत उसके आगे कुछ नहीं है। मैं जहां से आया हूं, मैं चाहता हूं कि अपने जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, जो भाई हैं मेरे, वो जो है अपनी जिंदगी सुधार सके और अपने अपने आने वाले कल के लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो अपनी जिंदगी में एक कामयाब बंदे हो जाएं और अपना फ्यूचर को बनाएं और अपने घर वालों, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो स्वागत है राजीव भाई आपका औरंगजेब शेख के चैनल में। सबसे पहले मैं ये अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे आए यहाँ पे। ओके औरंगजेब भाई, थैंक यू सो मच फॉर आपने मुझे इधर पे बुलाया। तो अपने एक्सपीरियंस को मैं इधर पे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राजीव, मैं स्पेशल तो मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अरंजीत भाई, हमने साथ में काम किए थे, मैंने साथ में काम। तो अरंजीत भाई बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत हेल्पफुल आदमी है। तो मैं आज खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो अरंजीत भाई पूछेंगे मेरे अच्छा, क्यों शेयर करना चाहते हो? मैंने कुछ आपको पैसे वैसे दिए इसलिए शेयर करना नहीं, पैसे से क्या, पैसे का क्या बात है भाई आप। तो मतलब मुझे ये बताओ कि मतलब दुबई में आपको ऐसे कैसे ख्याल आया कि भाई तुम यूरोप जा सकते हो, ऐसा कैसे आपको ख्याल आया? नहीं, मैं सोच रहा था कि मतलब मैं कुछ और ज़्यादा मतलब आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ लाइफ में, कुछ करूँ। तो मैंने यूट्यूब पे मतलब किधर भी मैं देखता था, मतलब कहाँ से मैं आगे जा सकता। तो उसी हिसाब से मैंने तवेद मलिक का देखा, तो उसी हिसाब से बहुत अच्छे, उसी से मैं आगे बढ़ाऊँ, नीचे से दिखाया। और जो एक सैकत भी है, उसे उसका भी मैं देखा हूँ, लेकिन तवेद मलिक मेरा मेरे लिए बहुत वो है। और हमारा औरंगजेब भी मतलब अच्छा अच्छा आदमी है, मैंने उससे एक दो साल से मैंने काम किया हूँ उसके साथ, अभी तक मैंने अच्छा है, मतलब इधर भी अच्छा ही डिरेक्शन। उधर भी दो होटल चेंज किया हूँ, उधर भी दो ही होटल पे हम लोग साथ में थे। सही बात है। तो अरंजीत भाई बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि वो उधर भी हेल्पफुल आदमी थे, क्योंकि हम लोग को जो भी मतलब प्रॉब्लम होता वो अच्छे से, मेरे से ज़्यादा हेल्पफुल आपने। नहीं वो तो है, लेकिन आपने बहुत हेल्प करे, मतलब जो भी हो, मतलब आपने मतलब कभी गुस्सा नहीं किया, मतलब जो भी हो आपने जितना हो सके। काम एक अलग चीज़ है, वो हमारा आपस का काम था, हम काम में अलग रहते थे, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते। मैं नहीं सोचता था कि राजीव जो है वो नीची पोस्ट पे काम कर रहा है या ऊंची पोस्ट पे काम कर रहा है। मेरे दिल में कभी ऐसा सोच नहीं था कि अगर वो नीची पोस्ट पे काम कर रहा है तो मैं उसको डांटूं या कुछ ऐसा बोलूं। भाई जो बोलता था भाई बंदा करता था, बहुत सपोर्टेबल बंदा है ये भी यार। लेकिन जो भी मेरे साथ ही अच्छा नहीं, लेकिन बल्कि सबके साथ अच्छा ही मतलब वो करते थे, क्योंकि उसने सिखाता है कि कभी भी उसके पास जो भी होता था, मतलब उसने खुल के बोला था, मतलब जो भी नॉलेज वो मतलब शेयर करता था आपका लोगों के साथ, मेरे साथ मेरे भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं इसलिए उधर भी मैं साथ में रही दो होटल पे, इधर भी आए मैं आज उसके साथ मिलने आए, मतलब मिलता था, मतलब उसी बहुत अच्छा आदमी है। जो भी हो आप लोग भी उसके साथ मतलब यूट्यूब चैनल देख सकते हो। हर कोई क्या होता है कि मतलब हर कोई का मतलब यूरोप आने का सपना होता है, मतलब जैसे कि अभी जैसे कि हर कोई तो नहीं आ सकता, लेकिन जो जिसके पैसे पास पैसा वैसा होता है वो तो आ सकता है आराम से। जैसे कि जो गरीब बंदा है, जो जैसे कि उसके पास थोड़ा गरीब होता है, उसके पास थोड़ा इतना नहीं होता है, तो मतलब 5 लाख 6 लाख फिर के करके मतलब इधर आने के लिए। तो इसीलिए मतलब मैं चाहता हूँ कि सब लोग इधर आ सके, मतलब फ्री में आ सके, मतलब थोड़ा कुछ तो खर्चा होगा, जैसे कि फ्री में आ सके, इधर में यूरोप में आ सके, अपना वो ड्रीम पूरा सके, अपना परिवार का फैमिली का वो सपना पूरा कर सके। तो इसीलिए मैं उसी के लिए एक्सपीरियंस करता है, अपना वो एक्सपीरियंस मतलब शेयर करना चाहता आप लोगों के साथ। मैंने को तो पूछिएगा आपने, मैंने को क्या बताना होगा सर? आप पहले ये बताएं कि मतलब आपको माल्टा के बारे में कैसे पता चला? माल्टा के बारे में मैं तो सबसे पहले तो मैं दुबई में आया था, हमारा मुलाकात भी दुबई के उधर भी हुआ है, उधर ही हुआ था। कौन से होटल में थे आप? हम पहले तो अलखुड़ी में ही मैं हमारा मुलाकात हुआ था, एक अर्बन होटल अलखुड़ी, अर्बन अलखुड़ी होटल। अच्छा, इसके बाद दुबई में स्काई गार्डन पे आए, उधर भी हम लोग मुलाकात साथ में थे, साथ होटल में साथ में थे स्काई गार्डन। तो आपने स्टडी कहाँ तक की है? जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं 8 तक पढ़ा हूँ, 10 तक पढ़ा हूँ, आप कहाँ तक पढ़े? स्टडी तो मेरा भी ऐसे कुछ तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, ऐसे मैंने 12वीं की है, जैसे भी
इतना वो तो नहीं था, मेरा भी इतना अच्छा स्टडी तो नहीं था, पर भी मैंने आपने यहाँ आप अपने आप पर मतलब फोकस किया हूँ। कहाँ तक पढ़े आप? 12वीं किया। तो भाई ने 12th किया है, ओके। उसके बाद कुछ किया है, कोई कोर्स वगैरह, होटल मैनेजमेंट वगैरह? ऐसे तो कुछ नहीं किया है, कुछ बोलते हैं कि भाई होटल मैनेजमेंट करूंगा तभी यूरोप आ सकते हो, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं। आपने कहाँ कहाँ काम किया है? मैंने ये नहीं दुबई पे किया था, इंडिया में भी किया हूँ लेकिन बेंगलोर पे, उधर पे जैसे 6 महीने और कुछ, 6 महीने कुछ गुजार लिया। उसके बाद मैंने सोचा इधर पे उतना नहीं है, मतलब इतना इनकम नहीं। दुबई कैसे आए? दुबई मैंने अप्लाई किया था, उधर से अप्लाई करके मैं एजेंसी के द्वारा आया हूँ। कौन सी एजेंसी? एजेंसी मेरे उससे कुछ दारीबर कुछ है, मैंने नेपाल से किया था। अच्छा, नेपाल से एजेंसी से अप्लाई किया था, अप्लाई करके मैं इधर आया हूँ, दुबई में आए थे। अच्छा, दुबई से फिर आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि भाई मैं यूरोप जाऊँ और अपना? नहीं, दुबई में बैठा हूँ लेकिन दुबई भी अच्छा खासा था, कमाई इतना अच्छा तो नहीं था पर भी मतलब गुजारा चल रहा था मैंने दूसरे की। अच्छा, दुबई अच्छा था, दुबई घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा था, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है उधर पे, बहुत मतलब इन्जॉय किया हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर वो किया, मतलब इतना से नहीं चलेगा, मतलब कुछ करना है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, इसलिए मैं सोचा हूँ मतलब क्या करें इसके लिए। मैंने कुछ इधर यूट्यूब चैनल देखा हूँ, मैंने बहुत सारा यूट्यूब देखते देखते आए। मैंने सबसे पहले तो मैं तबरेज़ मलिक का देखा था, क्योंकि उसने माल्टा के बारे में यूरोप। मैं बोलता हूँ कि भाई तबरेज़ मलिक का चैनल देखो भाई, उस बंदे ने जो है ना रियलिटी बताई है, और जो जहाँ से बंदे उठ के आए ना उनको उनने आसमान तक पहुँचाया। सही, तबीज भाई ने, तबीज भाई ने भी मेरे को बहुत शुक्रिया करता, शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ। क्योंकि उसने मैं उसके बदौलत ही मैं इधर पे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि भाई तुम फ्री में आ जाओ। तबीज मलिक है जो जिनने जो है ना हमें दिखाया है कि हम नीचे से लेकर के ऊपर कैसे आ सकते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं तबीयत मरीज का, वो बहुत अच्छा बंदा है, हेल्पफुल बंदा है, इसीलिए हम लोग भी अभी अच्छा, मैं भी इधर हूँ, शायद अरंजी भाई भी इधर ही होंगे, उसके बदौलत, उसकी बदौलत। सही बात है, कहीं ना कहीं उसने हमारी इतनी हेल्प की है कि हम ऐसे मतलब प्रॉब्लम में फंस चुके थे जिसकी बदौलत मतलब हमें ऐसा लग रहा था एक टाइम को कि हम हमारा आना यहाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन उस बंदे ने हेल्प की, बहुत बहुत हेल्प। तो आपने कैसे जॉब देखी यहाँ पे? मैंने उसी तबीयत मलिक के मतलब उससे ज़्यादातर मैं उसी से देखता था, मतलब उसी से मोटिवेट हुआ हूँ। अच्छा, यूट्यूब चैनल में हर दिन देखा था मैं, कौन सा यूट्यूब आया, यूट्यूब चैनल डालता है डाले, मतलब हर दिन मैं चेक करता था उसके, मतलब नहीं भी आया तो मैं उसको चैनल पर जाके मतलब सर्च करा था, मतलब किधर है, कौन सा अपडेट, आज का क्या अपडेट है। अच्छा, पहले मुझे ये जानना है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो ये चाहते हैं कि भाई मैं मतलब गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, रियलिटी ये है मेरे भाई, देख कोई भी मेरी बात और मैं अच्छा बुरा मुझसे मतलब नहीं फर्क पड़ता। मेरे जो दोस्त लोग हैं ना मेरे को सिर्फ यही मैसेज करते हैं मेरे भाई कि वो यार मतलब गरीब है, इतना पैसा नहीं दे सकते, 7-8 लाख, 10 लाख उनके पास नहीं है। सही, सही। समझ लो मेरे भाई, उनके पास 8-10 लाख रुपए नहीं है, वो कैसे आए यहाँ पे, वो मतलब अपने सपना कैसे पूरा करें, अपनी लाइफ का जो आने वाला कल है वो कैसे सुधारेंगे, उनको ये जानना है सिर्फ, उनको ये लेना देना नहीं औरंगजेब अच्छा है या बुरा है, औरंगजेब बुरा है जो भी है, ऐसे नहीं बोलते, अच्छा आदमी का अच्छा बोलना पड़ेगा, वो तो आपकी मोहब्बत है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है क्योंकि वो मेरे बहुत बहुत सारे मैसेज करते हैं कि भाई प्लीज हमें बताओ कि हम कैसे आए, वो बताओ मुझे वो जानना है, आपने कैसे जॉब ढूंढी, क्योंकि आप जो है फ्री में आ पाए हो, तो मुझे वो जानना है, वो उनको जानना है कि वो फ्री में कैसे आए, मुझे ये बताइए आप प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। उसके लिए तो मैं भी ऐसे ही, मैं भी गरीब ऐसे नहीं कि मैं भी बहुत बड़े वो से हूँ, मतलब बड़े रिच फैमिली से ऐसे नहीं, मैं भी मिडिल क्लास, मैं भी गरीब परिवार से हूँ। मैंने भी ऐसा पे करने के लिए मैंने बहुत एजेंसी से गया हूँ, एजेंसी में गुजरा हूँ, पूछा हूँ, वो लोग ने बहुत बहुत बोला 5 लाख 6 लाख 7 लाख, जैसे दुबई में बैठा हो तो 10-20 हज़ार दिराम 15 हज़ार दिराम 25 हज़ार दिराम ऐसा कुछ बोला है वो लोग ने। लेकिन मैंने सोचा भाई इतना पास पैसा मेरे पास भी नहीं है, कुछ उसके लिए कुछ दूसरा तंत्र से ढूंढे हैं, तो इसलिए मेरे भी ऐसा तंत्र से ढूंढा, तो यूट्यूब देना ही देखा हूँ, हेल्प लिया हूँ, उधर से मैंने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया हूँ, एक दिन से नहीं होगा, एक दिन की मेहनत से नहीं होगा, हर रोज चाहिए, हर रोज मेहनत करना पड़ता है, मतलब हर रोज मेहनत पड़ता है, ऑनलाइन से मतलब अप्लाई करना पड़ता है, कभी ना कभी आपको भी रिस्पांस आएगा, तो कभी ना कभी आप भी रिस्पांस आएगा, तो फ्री में जा सकते हो आप माल्टा, यूरोप कहीं भी जा सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग मेरे भाई आप लोग कभी मतलब वो मत हारिएगा, होप मतलब मत हारिएगा, मतलब विश्वास रखिएगा, मतलब हर रोज कीजिएगा, मतलब आप लोग भी आ सकते हो फ्री में, हम भी फ्री में आए। लेकिन आपने कैसे जो अप्लाई कैसे किया? अप्लाई मैंने ऑनलाइन से किया, ऑनलाइन से। आप यहाँ कैसे आए, कौन से होटल में आप काम कर रहे हैं अभी? मैं अभी सारा प्लेस वो 5 स्टार है, सारा प्लेस 5 स्टार है, 5 स्टार है वो, इधर माल्टा में वो एमजीना पे है। आप कितना सैलरी कमा रहे हैं वहाँ पे? मैं अभी उधर पे तो वैसे कुछ 1000 कुछ होता है, लेकिन 1 लाख रुपए करीब इंडियन करेंसी में, 1 लाख तो हो जाता है, लेकिन अच्छा है, दुबई से बेटर है, मतलब इधर से मतलब दुबई से बेटर। दुबई में कितनी सैलरी थी आपकी? दुबई में तो वही होता था, वही 1000 लेकिन इधर इंडिया के 20,000 रुपये, 20,000 रुपये भाई इंडिया में नहीं काम करेगा तो दुबई में आके काम करेगा, तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई
तो आप कैसे आए, मतलब यहाँ कैसे, आपने कैसे अप्लाई किया? क्योंकि वो लोग बोलते हैं अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन से मैं अप्लाई किया था, मतलब ऑनलाइन कैसे, मतलब एक दिन, उनको एक समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्या है। एक दिन में नहीं हुआ, मतलब मेरे भी मतलब दो तीन महीने मैंने हर रोज एक ना एक सीवी भेजा था, हर रोज मैंने ईमेल करा था। तो करते करते दो तीन महीने मैंने कभी हारा नहीं है, मैंने इतना अप्लाई किया कि दो तीन महीना, मतलब कोई बंदा लोग होता है कि मतलब देखा है मैंने, अपना दोस्तों लोग भी है, दो तीन दिन अप्लाई करते नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो लोग अपने आप को मतलब हार मानता है। आप लोग भी अपने आप पर विश्वास रखिए, मतलब एकदम मतलब कीजिएगा, मतलब कभी ना कभी मतलब वो हो जाएगा, एक दिन के बाद नहीं है मतलब सक्सेस। तो आपने भी हर रोज करना होगा, हार नहीं मानिएगा, तो एक दिन ना एक दिन आपका रिस्पॉन्स आएगा, दो महीना, एक महीना, तीन महीना, चार महीने में ऐसे कुछ आ जाएगा सर, अभी नहीं जरूर आएगा। तो आपने भी वो कीजिएगा, अरंजीत भाई का वो भी अभी माल्टा पे है, हम लोग साथ में ही है, साथ में मतलब साथ में ही ऐसे माल्टा ही है, तो उसका वीडियो भी देखिएगा, उसका वीडियो भी आप बनाते हैं, आप कैसे जॉब ढूंढना है क्या करना है, उसका वीडियो आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हेल्पफुल बनता है वो, अच्छा बनता है, क्योंकि मैंने दो तीन साल से मैं साथ में काम किया हूँ इधर तक, अभी तक हम लोग साथ में है, तो आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो, कुछ भी होगा तो पूछ सकते हो। तो मुझे ये बताइए, जैसे मतलब आप ज़ारा पैलेस में भी काम कर रहे हैं, आप 1,00,000 रुपये महीना कमा रहे हैं कम से कम भी, तो 1,00,000 बचा रहे हैं, तो मेरे भाई मुझे ये बताइए कि आपने ज़ारा पैलेस होटल में कैसे जॉब ढूंढी, आपको ज़ारा पैलेस के बारे में कैसे पता चला? वैसे तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी बहुत सारे वो एप्लीकेशन है, जैसे कि हो गया इंडिट, हो गया लिंक्डइन, हो गया और भी कुछ कुछ है, मतलब मैंने तो लिंक्डइन से किया था। आप लोग भी अपना प्रोफाइल बना सकते हो, आपने लिंक्डइन पे जाकर प्रोफाइल बनाना, उसके बाद फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करना है, हर रोज अप्लाई करना है, उधर पे आता हो मतलब क्या सर्च करना है लिंक्डइन पे जाके, क्या सर्च करना है लिंक्डइन पे आए हुए वो जो माल्टा के लिए उस होटल पे, मतलब कुछ भी होटल गूगल माल्टा होटल, आप लोग सबसे अच्छा है कि गूगल में आप लोग चेक कर सकते हो माल्टा में कौन कौन सा होटल है, कौन कौन सा, आप लोग होटल इंडस्ट्री से होटल में कर सकते हो, जैसे वो जो कंस्ट्रक्शन में है, जो और लाइन में वो अपना कंस्ट्रक्शन लाइन कंपनी कौन कौन सी है वो सर्च करें गूगल पे जाकर के, और उन सबकी ईमेल आईडी निकालें, और ईमेल आईडी निकाल के एचआर को ईमेल करें, ईमेल भी कर सकते हैं, वो पहले से रिप्लाई नहीं आया लेकिन करते जाएं, एक नहीं, दस नहीं, पचास नहीं, सौ को करना ही करना है, हार नहीं मानना। तो भाई डेली जो है ना गूगल पे जाओ, अगर जिसकी जो लाइन है, जिसकी कैशियर लाइन है, हाँ भाई कि रेस्टोरेंट है या होटल है या बहुत सारे यहाँ पे मतलब बहुत सारे आउटलेट्स वगैरह हैं, तो उन पे जाए, उनकी डिटेल्स निकालें, उनके एचआर की डिटेल्स निकालें और उनको मेल करें। ये जरूरी नहीं है कि एक से ही ईमेल आ जाएगा, आपको रिप्लाई जाएगा भाई इंटरव्यू है तुम्हारा कल को, नहीं, अप्लाई करते रहे, डेली अप्लाई करते रहे, और अप्लाई करते करते एक ना एक दिन जरूर आपको इसका जवाब जरूर आएगा। मैं 100% में लिख के बोल रहा हूँ कि इसका जवाब जरूर आएगा मेरे भाई, तो प्लीज हार मत मारना, क्योंकि ये बंदा भी जब अपनी होप नहीं हार सकता, ये बंदा नेपाल से यार, नेपाल से, इन्हें इंडिया में काम किया है यार, इन्हें दुबई में काम किया है यार, तो जब तुम लोग हो इंडिया में रह करके, तुम लोग दुबई जाओ, दुबई से जा करके जॉब ढूंढो कि भाई मुझे यूरोप में आना है तो मुझे देखना है ना, तुम्हें हिम्मत हार नहीं माननी है, तुम्हें हार नहीं मानना ना, तुम हार मत मारो, तुम डेली जो है गूगल पे जाओ, ईमेल आईडी निकालो कंपनी की और उनको ईमेल करो। तुम लोग पूछते हो कि भाई जॉब कैसे ढूंढे, जॉब तो मेरे भाई ऐसे ढूंढोगे ना, तुम जॉब कैसे ढूंढोगे, तुम गूगल पे जाओ कंपनी सर्च करो, जैसे मेरा मैं हूँ इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कि इलेक्ट्रीशियन जॉब इन माल्टा, इलेक्ट्रीशियन जॉब इन माल्टा, वो सारी लिस्ट गूगल, मेरे भाई गूगल तो मतलब यहाँ पे यूँ बोलते हैं गूगल सब कुछ है, गूगल को सब कुछ मालूम है, तो गूगल पे जाओ सारी लिस्ट निकालो, हाँ भाई ये कंपनी में हायरिंग हो रही है इलेक्ट्रीशियन की, गूगल बता देगा, उनकी करियर साइट पे जाओ, जैसे अब जो भी है उनकी करियर साइट पे जाओ, जैसे मेरा होटल है, अब मैं जाऊंगा एक्स होटल करियर पे जाऊंगा, उस पे जाऊंगा, उस पे चेक करूंगा कि हाँ भाई उनके करियर पे इलेक्ट्रीशियन की कितनी वैकेंसी है, उन पे जाकर के मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करूंगा, जो प्लम्बर है प्लम्बर के लिए अप्लाई करूंगा, जो मेरे भाई बोलते हैं कि मैं एसी टेक्नीशियन हूँ एसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करूंगा, जो बोलते हैं कि मैं अकाउंटेंट हूँ अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन करियर पे तो जाओ, पहले गूगल पे सर्च तो करो जॉब्स इन माल्टा, या इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन माल्टा, या वेटर जॉब्स इन माल्टा, या क्लीनर जॉब्स इन माल्टा। आप जब तक वो सर्च नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी जॉब चाहिए उनको। तो प्लीज इनके भाई को आप बात समझो, ये क्या कह रहे हैं, अब बात ये बात मत पूछो मेरे भाई के मैं जॉब कैसे ढूंढूं, मैं तुमको हर एक चीज बता देता हूँ वीडियो में कि भाई जॉब कैसे ढूंढे, लेकिन अगर आप वो चेक नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, प्लीज बात को समझो। और ये बताओ मेरे भाई कि जब आप मतलब आपने सर्च किया तो आपको कितने दिन में रिप्लाई आया?
मैंने जैसे कि अब मैंने सर्च किया हूँ, मतलब 3 महीने तो मैंने ऑलरेडी किया हूँ, जैसे कि 4-5 महीने के बाद ही मैंने रिप्लाई आया, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब जल्दी, मतलब आज अप्लाई किया कल रिप्लाई, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कि 3-4 महीना 5 महीने तक लगता है, टाइम तो लगना है भाई, क्योंकि फ्री में आ रहे हो तुम, क्योंकि हार मत मानो, कुछ कुछ बंदे जो है 2 महीने में आ जाते हैं, कुछ कुछ बंदे 3 महीने में आ जाते हैं, कुछ बंदे 1 महीने में आ जाते हैं, ये तो नसीब का खेल है मेरे भाई, ये समझ लो कि तुम्हारी मेहनत जितनी होगी, जितनी सच्ची तुम्हारी मेहनत होगी, जितने दिल से तुम अप्लाई करोगे, क्योंकि ये बंदा जो है ना भाई दिन रात काम करता था, कब पता नहीं कल नाइट ड्यूटी है, कब मॉर्निंग ड्यूटी है, कब इवनिंग ड्यूटी है, फिर भी अप्लाई करता था, मुझे नहीं मालूम कि इसका सिलेक्शन हो गया था, मुझे नहीं मालूम कि इसका सिलेक्शन हो गया था, मेरे को बाद में इसने बताया, जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब मेरे को बोलता है औरंगजेब भाई मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है, मेरे किसने बताया नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ज़ारा पैलेस होटल में, यूरोप का होटल है, बहुत 5-स्टार होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, मेरी सैलरी जो है वो 1.5 लाख रुपए करीब है, मेरे को नहीं बताया इसने, मेरे को बंदा बताता है, जब इसको मैं बताता हूँ कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसे वो मैं जा रहा हूँ, बहुत मेहनत किया था मैंने, बहुत मेहनत रात दिन, बहुत नाइट ड्यूटी कभी आके मैंने सोता नहीं था, मैंने 2-3 घंटे दो तीन घंटे मेरे भाई डेली अप्लाई करता था, 12 घंटे रात की ड्यूटी हो या दिन की ड्यूटी हो अप्लाई जरूर करता था डेली, बिल्कुल तो है ना, इसको ड्यूटी था मेरा, 2-3 घंटा अलग से अप्लाई करने की ड्यूटी था, बिल्कुल आगे सोचते हैं कि भाई मैं बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ भाई मेरे को कोई यूरोप बुला, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, तुम खुद रिप्लाई बिना मेहनत के कुछ भी फल, कुछ भी कोई फल नहीं मिलने वाला, जब तक तुम आम के पेड़ को मतलब टाइम नहीं दोगे, फल के साथ पानी नहीं दोगे, उसकी केयर नहीं करोगे, तुम्हें कैसे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इसको मेहनत करता था, सोता नहीं था, अपने नींद से टाइम निकालता था, अपने घर वालों को टाइम निकाल करके पहले अपने लिए, अपनी लाइफ, अपनी फ्यूचर के लिए देखता था, तब जाके इसको जॉब ढूंढी ना, अब बता दी मैंने कैसे जॉब ढूंढनी है, यही बता दिया, गूगल पे जाओ, कंपनी लिखो, सर्च करो और उसके बाद खत्म करो, अब ये बताओ मेरे भाई कि यहाँ पे आप जब आपको जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद मतलब आपका इंटरव्यू कैसे हुआ? इंटरव्यू मेरा ऑनलाइन से हुआ था, मैं मतलब मैं इंटरव्यू अरेंज किए, तो मैंने भी बहुत एक्साइटेड था बहुत, तो उसके बाद मैंने आपने आपके अरेंज किया, मतलब वो जोम से हुआ था, तो उससे मैंने आपने अरेंज किया, मतलब ड्यूटी के बावजूद भी मैंने आपने आपने को मतलब टाइम निकाल के मतलब जैसे जैसे मुझे ये जानना है मेरे भाई कि जो मतलब तुमने मतलब अप्लाई करने के बाद तुम्हें मतलब कितना टाइम मतलब 4-5 महीने लग गए, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो बोलते हैं भाई एक दिन अप्लाई करने के बाद बोलते हैं भाई दूसरे दिन अप्लाई नहीं रिप्लाई नहीं आया मेरा, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा जैसे कि एक दिन में अप्लाई करने के ऐसे रिप्लाई आ रहा तो सब लोग माल्टा में होते, सब लोग यूरोप में होते, सब लोग अच्छे अच्छे कंट्री में होते, वो लोग क्यों नहीं होता है, जैसे जैसे कि बहुत कम लोगों के इधर यूरोप में माल्टा में है कि नहीं, इसलिए आपको आना चाहते हैं तो मेहनत करना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करिए, रोज मेहनत करिए, हमने भी मेहनत करी, ऐसे हम लोग इधर नहीं है 2-4 महीने हम लोग मेहनत किए, 2-4 महीने के बाद ही 5 महीने के बाद ही रिप्लाई आया, इसलिए आप लोग आज इधर पे अच्छा खासा जैसे भी कमा रहा है जो भी हो थोड़ा बेटर है अभी, अच्छा लाइफ गुजर रहा है इधर से। अच्छा ये बताओ मुझे कि जैसे तुम्हारा मतलब इंटरव्यू के लिए ईमेल आया, तो ईमेल कितने दिन में आया था आपको, जब से तुम कब से अप्लाई कर रहे थे, कौन से महीने से अप्लाई कर रहे थे? जब से मैंने अप्लाई किया था जैसे कि फरवरी मार्च से अप्लाई किया था। अच्छा मेरा रिप्लाई आया जैसे कि मई जून में, 3-4 महीने के बाद ही रिप्लाई आया, 3-4 महीने के बाद रिप्लाई, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बोलने ईमेल किया, जैसे कि 1 महीने के बाद ही इंटरव्यू किया मैंने, इतना जल्दी नहीं किया। अच्छा तो ईमेल आया था मैंने एक्सेप्ट किया, वो मैंने यस कर दिया, उसमें ऐसा ऑप्शन आता है मतलब इंटरव्यू लेना है कब लेना है, ओके ओके नहीं है, मैंने उसके सबसे ओके किया, ये प्रॉब्लम हो गया, तो उसने बोला ये इतना टाइम पे आ जाना ऑनलाइन पे इंटरव्यू लेना, तो उसी हिसाब से मैं भी गया हूँ, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था अपने ड्यूटी के बावजूद, खुश थे आप? हाँ बहुत खुश थे यार, एक इंटरव्यू तो, पहला इंटरव्यू तो हो रहा है मेरा, बहुत उसमें तो मैं जैसे कि लगा था मैं सपने में हूँ, मतलब सपने में जैसे कि मैंने दे दिया, मतलब जैसे कि टाइम अरेंज करके मैनेजमेंट करके, नहीं सो नींद भी नहीं आ रहा था, सच बताऊँ था। अच्छा तो मैंने इंटरव्यू फेस किया हूँ, फेस किया तो उसने पूछा मेरे को कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, कितना है, कितना क्वेश्चन पूछा उन्होंने, लेकिन एक्सपीरियंस पूछता है, मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपका, कितना साल काम कर सकते हो, सकते हो इधर से आ, तो उसने मैंने उसी हिसाब से मैंने अपने खुद से मैंने रिप्लाई दिया, हाँ एक्सपीरियंस उससे पहले आप कौन से पोजीशन पे काम करते थे? मैंने उधर पे किचन पे ही करा था, मतलब किचन हेल्पर में। किचन हेल्पर पे वो आपने अप्लाई कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई? मैंने उसी पोजीशन के लिए किचन हेल्पर के लिए अप्लाई किया, के लिए किया, तो बहुत चांस होता है, मतलब जो आप जिस पोजीशन पे आप काम करते हैं ना उसी में आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए सब कुछ सही रहेगा, मतलब आप अच्छे से रिप्लाई भी दे सकते हो, उसके हिसाब से बोल सकते हो। अच्छा जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्लीनर हूँ, मैं जाना चाहता हूँ वेटर के लिए अप्लाई करूँ यूरोप पे, तो उनका होगा या नहीं होगा?
वेटर के लिए उसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए मेन, तो अपने आप में आपके। और जो जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं प्लम्बर हूँ मैं वेटर में जाना चाहता हूँ, उनको उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश आता है, इंग्लिश होना चाहिए मेन बात, इधर यूरोप में इंग्लिश ही होता है, माल्टा में मोस्टली इंग्लिश होता है। कितना इंग्लिश, थोड़ा बहुत भी आएगा तो चलेगा? थोड़ा बहुत जैसे कि अब रिप्लाई देने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक आना, इतना वो भी नहीं चाहिए। लेकिन उनको क्या कहना चाहते हो? मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर तुम लोग के पास एक तुम काम कर रहे हो एज ए वेटर और तुम बोलोगे कि मैं क्लीनर में चला जाऊं, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, वो नहीं लेंगे मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारा वीजा लगा हुआ है दुबई में एज ए वेटर और तुम क्लीनर के लिए अप्लाई करोगे तो वो कैंसिल कर देंगे, भले ही तुम्हें वो जॉब दे दे, कंपनी तुम्हें जॉब दे देगी, लेकिन वीजा के टाइम पे तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए अगर आपकी जो पोजीशन है, मैं चाहता हूँ कि उसी पोजीशन पे अप्लाई करो, अगर आप क्लीनर हो तो क्लीनर के लिए अप्लाई करो। जैसे ये था, इसने किचन हेल्पर में काम कर रहा है और किचन हेल्पर के लिए इसने अप्लाई किया ज़ारा पैलेस होटल में और उसको एक्सेप्ट भी हो गया, वीजा भी इजी लग गया। मेरे को वीजा जो बहुत जल्दी, अब क्वेश्चन भी तुमसे कौन क्या क्या पूछे उन्होंने, किचन हेल्पर रिलेटेड पूछे होंगे, हां कि किचन में कटिंग वटिंग कैसे करते, साफ सफाई कैसे करते, सब कुछ करना होता है। किचन हेल्पर मतलब ये नहीं कि मतलब हेल्पर ही करना है, मतलब साफ सफाई भी करना पड़ता है। ये मैंने बता दिया कटिंग आता है, आता है मेरे कटिंग और हेल्प करना, ये कैसे वो करना, साफ सफाई कैसे करना, वो मैंने बता दिया, क्योंकि आपको इधर आना है तो जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं उसी पे अप्लाई करोगे तो आपको सही रहेगा, मतलब ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 80-90% रहेगा, नहीं तो आप दूसरे में करोगे 40% रहेगा। अच्छा, आपका इंटरव्यू होने के बाद फिर कितना दिन लगा आपका वर्क परमिट आने में? वर्क परमिट आने के लिए मेरे कुछ एक महीना कुछ लग गया, एक महीना पूरा, एक डेढ़ महीना पहले लग गया आपको, मतलब वर्क परमिट आने में। वर्क परमिट के लिए आपने कुछ फीस भी पे किया? वर्क परमिट के लिए मैंने बस 280 पे किया, 280 यूरो पे किया। उसके बाद मैंने, और जब आपका वर्क परमिट आ गया उसके बाद फिर क्या प्रोसेस है? लोग उसके बाद तो हमें एम्बेसी में जाकर सबमिट करना होगा, बीएपीएस होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह जब मैं वीजा के लिए अपॉइंटमेंट, मैंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने बहुत वेट किया, 2-3 महीने, इसलिए मेरे थोड़ा लेट हो गया। इसलिए आप लोग जब वर्क परमिट इशू हो जाएगा तब आप लोग उसी समय पर आप लोग ले सकते हो अपॉइंटमेंट। अच्छा, तो वर्क परमिट में मतलब तुम्हें मालूम था इस बारे में कैसे वर्क परमिट को मतलब वीजा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? नहीं, मैंने पूछा उस कंपनी से, पूछा क्या करना है मेरे को, और दूसरे यूट्यूबर भी था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था तबियत मलिक, उस वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप अरुण जी भाई भी बना रहे हैं उसके दूसरे वहाँ से भी देख सकते हैं आप, अरुण जी भाई भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप उधर से तबरेज मलिक ने क्या किया मतलब तुम्हारा? उसने मेरे लिए बहुत हेल्प किया, उसने मेरे लिए वो अपॉइंटमेंट लिए, मैंने उसको सजेशन दिया, उसने बता दिया एक्सेस करो ये करो, राजीव भैया करो ये करो, तो उसने मेरे को बहुत बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत हेल्प किया तुम्हारा। डॉक्यूमेंट के लिए आपने जैसे कि प्रोफेशनल बंदा को चुना होगा, जैसे कि प्रोफेशनल जैसे देखो भाई वो बंदा काम कर रहा है, ये बात सच्चाई है कि जो डॉक्टर है डॉक्टर का काम डॉक्टर को छोड़ दो, डॉक्टर ही कर सकता है। वैसे ही जो वीजा कंसल्टेंट है, जो मतलब जिसको मालूम है उसके बारे में नॉलेज है, वो ही कर सकता है मेरे भाई, हर कोई नहीं से कर सकता। आजकल जो है ना, नए यूट्यूबर उठ करके आ जाते हैं, बोलते हैं भाई मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अकल को जो तुम्हारी फाइल भाई वीजा नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी मिस्टेक के चक्कर में भाई पासपोर्ट नंबर जो तुम्हारा गलत लग गया और तुम्हारा क्या नाम है डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ गया और तुम्हारा नाम में स्पेलिंग गलत हो गया, तो मेरे भाई ये गलती मत करो, जो जिस चीज में प्रोफेशनल है उसी चीज से ही करवाओ ये काम। थोड़े पैसे लगेंगे, वो भाई कितना मांग लेगा, तुम 10,000-5,000 इंडिया के दिरहम में, 500 दिरहम 1,000 दिरहम क्या लग जाएंगे, लेकिन मेरे भाई तुम्हारी लाइफ तो सुधर जाएगी ना। तो प्लीज मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि ऐसे बंदे के पास जाओ जैसे वो तबरेज मलिक है, जैसे इन्होंने उसका काम, इनका काम उन्होंने किया कि भाई फाइल उनकी इन्होंने प्रिपेयर की और प्रिपेयर करके इनको दी और जा करके इन्होंने फिर इन्हें सबमिट किया, वीजा भी जल्दी आ गया, एक महीने के अंदर ही आ गया, वीजा भी एक महीने में आ गया, 22 दिन में आ गया। देखो तो ये होता है, एक प्रोफेशनल बंदे का काम होता है, तो वही उसने काम किया और तुमसे पैसे भी लिए तबरेज मलिक ने। हाँ, थोड़ा कुछ चार्ज होता है। कितना लिया? क्लियर बताओ, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। कितना सब मिला के वो 500-600 कुछ ले लिया, 500-600 दिरहम क्या बोले तो इंडिया का वही 15,000 कुछ होता है। क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया उस हिसाब से। नहीं, वो तो कुछ नहीं है, बाद में आपके इधर आके आप कमा सकते हैं ना, उससे सही बात है, कमा सकते हो आप, हो सकते तो ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा ले रहा है, वो तो उसकी मेहनत, वो तो एक ही बार है ना, हर महीने तो आपको देना नहीं, एक बार बार वो कर लो, पर क्या होता भाई, वो तो 5-10,000 रुपए कुछ भी नहीं है तुम्हारे, कुछ भी नहीं। हाँ, तो राजीव भाई मतलब यहाँ तक इतनी वीडियो बनाई हमने, वीडियो लंबी हो रही है उसकी मैं माफी चाहूँगा, तो मुझे ये बताओ कि फिर आपका जब वर्क वीजा मतलब वर्क परमिट आ गया, वीजा आ गया, वीजा आने के बाद फिर आपने टिकट कब का कटाया? टिकट सब कुछ होने के बाद, मेरे वीजा आने के बाद मैंने टिकट के लिए, मैंने क्योंकि मैंने
मैंने उससे मतलब हेल्प किया था मतलब तबियत मलिक से, उसने मेरे को मैंने उसने पूछा मतलब उसने बताया टिकट ले लो, उसने सब कुछ पूछा मेरे को कब का वीजा है कब का एक्सपायर है कब से क्या सब कुछ मैंने बता दिया। तो उसने मैंने टिकट बुक कर दिया, प्लस मैंने कहा आने के साथ टाइम में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। मैंने कंपनी ने क्या किया, मैंने वो बोला था अभी सीजन इधर पे 6 महीने 7 महीने सीजन ही होता है, मतलब समर में थोड़ा काम ज़्यादा होता है तो विंटर के बाद थोड़ा कम होता है, डाउन होता है बिजनेस। तो उसी हिसाब से मैंने मेरे कंपनी ने मेरे को बताया क्योंकि अभी डाउन हो रहा है। कंपनी ने खुद बोला तुम्हें कि भाई इतना कितना महीने का टाइम रहता है कि तुम एंट्री करोगे वीजा आने के बाद? 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने का टाइम होता है तो 3 महीने का वीजा के लिए टाइम होता है, 3 महीने में कभी टिकट करा सके तुम आ सकते हो, तो इससे लेना देना नहीं है। 3 महीने के अंदर में तुम्हें यहाँ पे आना है। तो तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें कैसा लगा, मतलब दुबई को कंपेयर करेंगे और यूरोप को कंपेयर करेंगे तो यूरोप और दुबई में क्या डिफरेंस आया तुम्हें? यूरोप तो यूरोप मतलब अच्छा है, उधर से मतलब इधर पैसा अच्छा है, प्लस घूमने फिरने के लिए भी अच्छा है, मतलब इधर में जो भी करो कोई बोलने वाला नहीं, मतलब आराम से जो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा, यहाँ पार्ट टाइम के बारे में क्या बताऊँ? पार्ट टाइम इधर भी मिलता है लेकिन थोड़ा वो अपना दोस्त होगा इधर उधर होगा तो वो लोग रिकमेंड करेगा तो सही। पार्ट टाइम में कितना कमा लेते हैं? पार्ट टाइम में भी कमा जाता है, अच्छा अच्छा खासा होता है, मतलब जैसे कि मतलब जैसे कि मैंने एक महीने में कितना कमा लेते हैं? एक दो महीने मैंने किया पार्ट टाइम इधर भी, तो मैंने किया था एक महीने में जैसे कि हफ्ते में 3 दिन करा था मैं 5-5 घंटा, तो उस हिसाब से मेरे को मिलता था इंडिया का 30-40 हज़ार मिल रहा था, मतलब महीने में कमा लेते 40-50 हज़ार मिल रहा था। कितने दिन काम करके? वो भी मतलब 5-5 घंटा, मतलब 3 दिन काम करके 40,000 रुपये कमा रहे हैं, क्या बुरा भाई? 40,000 कमा रहा है, जो आ रहा है वो आने दो ना, कमल तो मतलब पार्ट टाइम कमाने का फायदा ही है। तो यहाँ पार्ट टाइम इजी मिल जाता है? पार्ट टाइम मिलता है लेकिन थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। सही बात है, घर बैठे बैठे तो कुछ मिलता नहीं है। दोस्तों से सर पूछना है, ऑनलाइन में मतलब जॉब सिंह माल्टा ये वो होता है, मतलब एप्लीकेशन बहुत होता है इधर माल्टा पे लोकल वाला, तो उस पर आप जाके ढूंढ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। तो पार्ट टाइम और सैलरी निकाल करके आप यहाँ पे कितना कमा लेते हो? हो जाता है 1-1.5 लाख का होता है, 1.5 लाख कमा, 1.5 लाख होता है, प्लस रूम का अपना वो भी होता है, वो करके आप 1 लाख इधर से कमा सकते हैं, 1,80,000 कमा सकते हैं। जो तुम्हारे नेपाली भाई हैं उनको जब नेपाली लैंग्वेज में बताना चाहोगे कि भाई वो लोग क्या करें, क्योंकि वो लोग भी आना चाहते हैं और अपने आने वाले कुल को सुधारना चाहते हैं, तो उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं क्या मैं बताऊँ, नेपाली में बताऊँ? नेपाली में बोलो, लैंग्वेज उनके दिल में दिल खुशी। नमस्कार है ना, मैं राजीव हो, अनि मोबाइल माल्टामा छु, अनि माल्टामा यहाँनिर मैले जब गरेको छु, अनलाइनबाट एप्लाई गरेको, त्यस्तो एजेन्सीबाट के होइन, मैले फ्रीमै आएको, 280 पे गर्नुपर्छ वर्क परमिटको लागि, अनि तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर माल्टामा, अनलाइनदेखि खोज्नु सक्नुहुन्छ, जस्तो कि लिङ्कडइन गुगलबाट सर्च गर्नुहुन्छ तपाईँ कुन कुन डिपार्टमेन्टमा, जस्तो एफएनबी सर्भिसमा, वेटरमा, होइन किचनमा, प्लम्बरमा, जे मान तपाईँ हुन्छ त्यही 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 खालको उयोमा सर्च गरेर त्यो इमेल एड्रेस लिएर इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, डकुमेन्ट आफ्नो सिभी बनाएर, युरो पास सिभी बनाउनुपर्छ मेनली, भेरी इम्पोर्टेन्ट, उसको बाद त्यसपछि कपल लेटर, एउटा कपल लेटर, युरो पास मेन इम्पोर्टेन्ट, त्यो गरेर इमेलमा तपाईँले पठाउनु भएपछि कुनै न कुनै रेस्पोन्स आउँछ, जस्तो कि 1 महिना 2 महिना लाग्छ, टाइम लाग्छ, तर तपाईँको रेस्पोन्स आउँछ जरुर, अनि त्यही हिसाबले तपाईँले गर्नुहोस्, एक दिनमा कोही पनि सक्सेस हुँदैन, त्यही भएर तपाईँले डेली गर्नुहोस्, आँट नहर्नुहोस्, आफ्नो आफूलाई विश्वास राख्नुहोस्, त्यही हिसाबले गर्नुभयो भने तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ, हामी जस्तो हामी आएको छौँ, ऊ पनि आएको छ, रन्जित भाइ ऊ पनि राम्रो मान्छे हो, हामी सँगै काम गरेको दुई वर्ष जस्तो, यहाँ पनि हामी सँगै छौँ, सँगै भन्दा पनि अब छेउछेउमा छौँ होइन, कम्पनी डिफ्रेन्ट भए पनि हामी एक अर्कासँग राम्रै छ, युट्युब चाहन्छ उसले पनि राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ माल्टाको बारेमा, युट्युब च्यानल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू फ्रीमा आउनु सक्नुहुन्छ, नेपालमा त 10 लाख 12 लाख 15 लाख तिरेर आउनुभन्दा तपाईँहरू अनलाइनमा गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ, अनि त्यही हिसाबले तपाईँले गर्नुभयो भने अब केही सजेसन चाहियो भने, केही गाइड चाहियो भने, अब तपाईँले युट्युब च्यानल हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँ उसको भयो तबियत मालिक भयो, यहाँ सैकत भनिन्छ एउटा, उनीहरूको युट्युब हेरेर तपाईँले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। तो मतलब मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन इनका कहने का मतलब यही है कि आप यूरोप का सीवी बनाओ, और यूरोप सीवी बना करके कवर लेटर बना करके आप अप्लाई करो, और आपका हमेशा मतलब इंशाल्लाह आपको जरूर जरूर रिप्लाई आएगा, और हार मत मानो, हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती, तो प्लीज़ हार मत मानो, डेली अप्लाई करो, मेहनत करो अप्लाई करके, और ये मुझे बताओ कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू सो मच, वो अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन आदमी है, थैंक यू सो मच, हेल्प ले सकता है कुछ, तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो दोबारा देखने के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपके एक शेयर से और आपकी एक वीडियो के लाइक और कमेंट से दूसरे का भला हो सकता है, तो प्लीज हार मत मानो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, ताकि मुझे उस वीडियो मतलब आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले, और ऐसे ही मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए सिर्फ, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आया हूं, हमारा चैनल आपका चैनल है, मैं ऐसी जगह से आया हूं
कि मैं नहीं चाहता कि भाई कोई अपना 10-20 लाख रुपए खर्च करके यहाँ आए। हाँ, जिसके पास पैसा भाई वो आ सकता है, वो आ सकता है मेरे भाई, मैं उसको मना नहीं करता। मैं उसको खुद बोलता हूँ कि भाई जी तुम्हारे पास पैसा है तो यहाँ आ जाओ, साला 5-6 महीने में तुम पूरा निकाल लोगे और 10-15 लाख रुपए बचा कर घर लेके जाओगे, क्यों मेरे भाई? लेकिन जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा? तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, राजीव भाई उसके लिए खड़े हैं। तो प्लीज आप जो है ना, प्लीज अप्लाई करो, डेली अप्लाई करो और जरूर के जरूर मैं बता रहा हूँ 110% जॉब आपको मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, डेफिनेटली मिलेगी। हार नहीं मना। इस भाई की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और काम इतना, मतलब छोटा बड़ा तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन कैसे ये बंदा आया, इसने आपको अपनी रियलिटी बताई कि नेपाल से एक बंदा इंडिया आता है, इंडिया काम करके 1-2 साल फिर वो दुबई जाता है, दुबई में 1-2 साल काम करके फिर अप्लाई करता है यूरोप के लिए, और यूरोप में अप्लाई करने के बाद उसको जो है 4-5 महीने के बाद जो है एक इंटरव्यू के लिए मेल आता है, और वो मेल के लिए इतना एक्साइटेड होता है, इंटरव्यू हुआ है सिर्फ, मिला था सपने में, सिर्फ इंटरव्यू होने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता है, तो जॉब मिलने के लिए इसकी क्या खुशी होगी मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे भाई प्लीज अप्लाई करो और आपका एक एक इंटरव्यू जो है, अगर जो भी इंटरव्यू अगर आपका आता है, मैं 110% बोलता हूँ आप क्रैक करके जाओगे और आप पास हो जाओगे। इंटरव्यू का मतलब हो गया, इंटरव्यू का मतलब आपका हो गया, और यहाँ पाओगे और अंधा पैसा कमाओगे और अपने लाइफ और आने वाले कल को सुधारोगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच, ऐसी वीडियो दोबारा देखने के लिए प्लीज औरंगजेब को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।